सुबह सुबह हो गई है गड़बड़। हम अपना सुबह सुबह घूम फिर के आए थे, आंटी के पास गाड़ी अपन ने लगाया और देखा कि अपनी बाइक हो गई है पंचर और ये इंटरसेप्टर है, इसका टायर खोलना बहुत मुश्किल है। लोकल पंचर शॉप से रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर का पंचर नहीं बनता है, तो हम लोगों ने फ़ोन किया है अभी रॉयल एनफील्ड रोड साइड असिस्टेंट वालों को, तो आएंगे थोड़ी देर में पंचर बनाएंगे अपनी गाड़ी का, बाद में पंचर बना के निकलेंगे यहाँ से और देखेंगे, आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर का टायर खोला जाता है और उसके बाद क्या प्रोसेस है पंचर ठीक करने का। तब तक के लिए बने रहिए, हम तब तक कुछ खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई आगे यहाँ पे एक पंचर वाला है, हम उसके पास जाके देखेंगे, कोई जुगाड़ हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर रोड साइड असिस्टेंट वाले को तो हमने बुलाया ही है। तो फिलहाल चलते हैं अपन पंचर वाले के पास, कोई जुगाड़ हो गया तो उससे बनाएंगे, नहीं तो बहुत वजन है भाई गाड़ी में। तो भाई अगर पंचर वाले ने टायर साइड से खोल के पंचर बना दिया तो हमारा काम बच जाएगा, नहीं तो रॉयल एनफील्ड से बंदा आएगा, वो टायर पूरा निकाल कर देगा, निकालने के बाद इसका पंचर बनेगा और टायर को रीफिट करना पड़ेगा। लंबा काम है, लंबा प्रोसेस है, खर्चा भी ज़्यादा आएगा, तो देखते हैं कोई शॉर्टकट। अभी अपन थक गए और अपन ने बाइक दी है आनंद भाई को और पंचर वाला थोड़ा दूर है, अभी आनंद भाई आगे से धकेलेंगे और मैं पीछे से थोड़ा हाथ लगा के दूंगा। फिलहाल हम आए भैया के पास और भैया को हमने बोला है कि आप साइड से ही टायर को ओपन करके पंचर निकालने का कोशिश करो, तो भैया कोशिश कर रहे हैं टायर खोलने के लिए और अगर ये खुल जाएगा तो ट्यूब को साइड से बाहर निकाल के हम इसका पंचर बना सकते हैं, तो कोशिश जारी है गाइस। भैया भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, अगर पंचर ऐसे ही बन जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर रॉयल एनफील्ड में बाइक को लेकर जाना पड़ेगा या फिर वहाँ से किसी को बुलाना पड़ेगा। तो भाई फिलहाल अपना टायर जो है खुल गया है और अजीम भाई ने टायर खोलने में बड़ी मेहनत की है भाई, और अब कोशिश करेंगे इसमें से ट्यूब निकाल के उसका पंचर बना दें। तो भाई फिलहाल हमारी जो इंटरसेप्टर है उसका टायर साइड से खोल के हमने उसका ट्यूब निकाल लिया है और अजीम भाई इसका पंचर बनाएंगे और उसके बाद अपन चलेंगे, क्योंकि रॉयल एनफील्ड रोड साइड असिस्टेंट वालों को हमने फ़ोन किया था, उनको फ़ोन करके भी एक घंटा हो गया लेकिन उन लोगों के साइड से अभी तक कोई बंदा आया नहीं है। तो और एक चीज़ भाई जो है, रॉयल एनफील्ड इतनी सारी गाड़ियाँ बनाता है, महंगी महंगी बाइक्स बनाता है, सब कुछ करता है, तो ये गाड़ियों के अंदर ट्यूबलेस टायर देने में क्या प्रॉब्लम आती है भाई। अभी ये तो अजीम भाई मिल गए तो हमारा काम हो गया, नहीं तो क्या करते थे हम लोग। तो भाई रॉयल एनफील्ड वालों से रिक्वेस्ट है कि जो बाइक्स तुम बनाते हो उसमें ट्यूबलेस टायर भी दो साथ में। और ये है हमारे पंचर, दो पंचर है हमारे ट्यूब में, कील लगा है इसके अंदर एक छोटा सा, वो भी अभी निकाल के आपको दिखाएंगे। भाई ये अजीम भाई हमारे दमन में, अगर आपका कोई भी इंटरसेप्टर या हिमालयन जो कि ट्यूबलेस नहीं आता, कभी कोई पंचर हो जाए तो आप दमन में अजीम भाई के पास आके अपना पंचर सही करवा सकते हो। अजीम भाई के पास बढ़िया टेक्निक है, टायर को साइड में से खोल के बाहर निकाल लेते हैं और उसका पंचर लगा देते हैं। तो भाई दमन में अगर कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि दमन में रॉयल एनफील्ड का कोई शोरूम नहीं है ना कोई सर्विस सेंटर है, यहाँ से रॉयल एनफील्ड ऑलमोस्ट 12 या 15 किलोमीटर वापी में ही मिलेगा, तो अगर कभी भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप अजीम भाई के पास आ जाओ, अपना काम करवा लो। और अभी वीडियो में आगे दिखाएंगे कि टायर को वापस फिट कैसे किया जाएगा पंचर लगाने के बाद।
फिलहाल लग रहा है इस पे सॉल्यूशन, और इसके ऊपर लगा दिया जाएगा पंचर का पैच, राउंड पैच। तो भाई हमारा पंचर हो गया है रिपेयर, और इसके अलावा कोई और पंचर है या नहीं वो हम देख लेंगे अभी। तो ऐसा कोई पंचर तो और अपने को दिख नहीं रहा है, वही जो दो पंचर थे वो अपन ने बना के ले लिए हैं। और इसको एक बार लीकेज चेक कर लेंगे। तो देखो भाई कोई लीकेज नहीं है, और इसके अलावा कोई पंचर भी है नहीं। अजीम भाई के पास ये सही टेक्निक है पंचर चेक करने की, कोई लीकेज भी नहीं है इस पर। इसके अलावा कोई पंचर, कोई कील, वो सब चेक कर रहे हैं। जिम भाई ने अभी चेक कर लिया, ट्यूब में कहीं और पंचर तो है नहीं। अब निकालेंगे इसका कील, और उसके बाद टायर को करेंगे रीफिट, और फिर चलेंगे भाई यहाँ से वापस मुंबई की तरफ। तो अगेन भाई मैं रॉयल एनफील्ड को रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अगर तुम गाड़ी बना रहे हो, इतनी हैवी गाड़ी बना रहे हो, इनमें सब में ट्यूबलेस टायर वायर का जुगाड़ करके दो, ये बहुत मुश्किल है भाई ये सब। आता है बहुत हार्ड आता है। तो भाई फाइनली हमारा टायर पंचर रिपेयर होने के बाद वापस फिट हो गया है, और अजीम भाई इसको थोड़ा बहुत मार पीट के इसकी सेटिंग कर रहे हैं। और अब इसमें आ गया है हवा डालने का नंबर। तो अजीम भाई से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे वीडियो के लास्ट में, तब तक के लिए देख लीजिए इंटरसेप्टर का पंचर अगर हो गया है तो उसको बनाना कितना मुश्किल है। अभी तैयारी हो रही है उसमें हवा डालने की, ये लगा दिया है अंदर का नोज़ल, ये हैं अजीम भाई, और पार्शली हैंडीकैप्ड है अपने एक हाथ से, लेकिन फिर भी मेहनत में कोई कमी नहीं है भाई की। भाई ने हमारे इंटरसेप्टर को अकेले खोल के और पूरा बना के दिया है, पूरा टायर खोला है, पूरा टायर का पंचर बनाया है, वापस लगाया है। तो भाई कभी भी अगर दमन में आप आते हो और आपकी गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो अजीम भाई के पास आओ। अजीम भाई का नंबर और लोकेशन मैं आपको वीडियो में डाल दूँगा। तो कभी भी दमन में आपकी कोई भी पावर बाइक, रॉयल एनफील्ड, इंटरसेप्टर, हिमालयन, कोई भी गाड़ी पंचर होएगी, इवन ये ट्रैम्प और टाइगर का भी बनाते हो ना, टाइगर ट्रैम्प सबका पंचर बना देते हैं ये। तो भाई आओ, अजीम भाई की दुकान है नानी दमन में। और अभी हम यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं मुंबई की तरफ।